महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा सियासी उठापटक हुआ। एनसीपी छोड़ अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए। इससे महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत तो बढ़ी, लेकिन शिंदे गुट में बेचैनी उससे ज्यादा बढ़ गई। शिंदे गुट के सभी मंत्रियों ने सोमवार को सीएम शिंदे से ठाणे स्थित उनके निजी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान शिंदे गुट के नेताओं ने अजीत पवार और एनसीपी विधायकों के सरकार में शामिल होने पर नाराजगी जाहिर की। अजीत पवार के बीजेपी के साथ आने से शिंदे गुट क्यों नाराज है, इसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल शिंदे फडणवीस सरकार ने इसी 30 जून को एक साल पूरा किया था, लेकिन अभी भी राज्य में 23 कैबिनेट खाली हैं। अजीत पवार की बगावत और एनडीए में उनकी एंट्री कैबिनेट विस्तार में खलल डाल सकती है। अगर अजीत पवार बगावत नहीं करते तो कैबिनेट का बंटवारा शिंदे और बीजेपी नेताओं में होता, लेकिन अब इसमें अजीत पवार के साथ आए विधायकों को भी जगह मिलेगी, जो शिंदे गुट के लिए अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें कि अजीत पवार की एंट्री से पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत केवल 20 मंत्री थे। हालांकि इसमें अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवसेना से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री बनने की उम्मीद थी। अजीत पवार को अपने साथ खींचकर बीजेपी ने सीएम एकनाथ शिंदे को भी झटका दिया है। बीजेपी के पास अब अजीत पवार के रूप में एकनाथ शिंदे का विकल्प आ चुका है। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में आते ही बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे की तोलमोल करने की क्षमता कम हो गई है। भले ही महाराष्ट्र में सत्ता की अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे हों, लेकिन राज्य में असली बॉस बीजेपी ही है। 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र 2024 के चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए अहम राज्य है। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद शिंदे के तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी को पार्टनर तो मिला, लेकिन फिर भी इतने बड़े सूबे में पार्टी को गठबंधन के मजबूत चेहरों की दरकार थी। अब अजीत पवार के बूते बीजेपी लोकसभा चुनाव में एनसीपी के बड़े वोट बैंक को एनडीए के पाले में खींच सकती है। ऐसे में एनसीपी के विधायकों का एनडीए में आना शिंदे गुट के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।